हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आंवले की रेसिपी बताऊंगी। ये न तो मुरब्बा है और न ही कैंडी, सुपर हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी है। ये हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हमें आंवले को किसी न किसी रूप में खाते ही रहना चाहिए, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इस रेसिपी को एक बार बनाकर रख लीजिएगा स्टोर करके, तो आप साल भर खा सकते हैं। ज्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम आंवला लिया है। तो आंवले को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब मैं इस आंवले को जाली वाली छन्नी में रखूंगी। इसे रखने के बाद स्टीम करेंगे। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दिया है, एक गिलास पानी डालकर, और उसमें एक स्टैंड रख दिया है, और इस छन्नी को मैं इसमें रख दूंगी और इसे ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम में इसे 7 से 8 मिनट तक या 10 मिनट तक आप इसे स्टीम कर सकते हैं। जब 7-8 मिनट आप स्टीम कर लेंगे तो इस तरह से ये फट जाएगा और आपको इतना ही स्टीम करना है। तो इसे अभी हम निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे ठंडा हो चुका है और अब मैं इस आंवले को एक एक करके इस तरह से अलग करूंगी, इसकी कलियों को, और इसके जो बीज है उसे हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से भाप में पकाने का एक रीजन है कि इसके जो बीज है वो बहुत आसानी से निकल आते हैं, तो आप इस तरह से बहुत इजीली इन बीजों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कलियों को अलग करते हुए रख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आंवले की सारी कलियों को अलग कर लिया है और यहाँ पे बीज मैंने अलग कर लिया है। इसे हम रख देंगे साइड में और इस आंवले को हम हाथों से मैश करेंगे। आप चाहें तो मैशर से मैश कर सकते हैं, या इससे भी आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मिक्सी में लीजिए और पल्स मोड पे इसे चला के दरदरा सा पीस लीजिए। बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे दरदरा पीसना है। तो हाथों से मसलने से बहुत ज्यादा ये फाइन पेस्ट नहीं बनता है, थोड़ा सा दरदरा ही रहता है, और ऐसा ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हाथों से अच्छे से इस तरह से पेस्ट जैसा बना लिया है और इसको अभी साइड में रख देंगे। पैन को गर्म करेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और मैंने जो मैश करके रखा है आंवले को उसे मैं इस पैन में डाल दूंगी। ऐसे हम थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। इसलिए हम इसे भून रहे हैं क्योंकि आंवले में थोड़ा सा कसेलापन रहता है, आप सभी जानते ही होंगे, तो वो दूर हो जाए इस वजह से मैं इसे थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। तो ऐसे ही मैं थोड़ी देर के लिए इसे चलाते हुए भून लूंगी। ये देखिए भून चुका है, इतना ही भूनना है हमें। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है और अभी मैं ग्रेट किया हुआ गुड़ इसमें डाल दूंगी। इसमें मैं अभी गुड़ ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन सर्दियों का सीजन है तो गुड़ से ही बनाऊंगी क्योंकि गुड़ गर्माहट देता है। आप अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो इसे आप चीनी से बना सकते हैं या फिर धागे वाले मिश्र से भी बना सकते हैं। देखिए, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए चला लिया है और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा इलायची को कूटकर डाल दूंगी। इसके जगह पे आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के सौंठ पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर। तो इसे मैं डाल दूंगी जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी 1/2 चम्मच या 1 चम्मच काला नमक भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए। तो अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और देखिए इसमें काफी सारा अभी पानी है, गुड़ का पानी। तो अभी हमें बहुत ही अच्छे से इसे सुखाना है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसे 3-4 मिनट के लिए ढक दूंगी और ढक के पकाऊंगी। तो इसे मैंने 3-4 मिनट के लिए ढक दिया था और अब मैं इसे बिना ढके ही पकाऊंगी जब तक इसका जो पानी है वो सूख ना जाए। तो मैंने इसे लगातार चलाते हुए पका लिया है और देखिए बहुत ही अच्छे से ये ड्राई हो चुका है, इसका मतलब कि ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आप इसे जरूर बना के खाइएगा। इसे आप रोज 1 चम्मच खाइएगा तो आपके सेहत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। बाल काला होंगे, बालों में साइन आएगी, जड़ से मजबूत होगी और आपके स्किन ग्लो करेगी, चमक आएगी स्किन में, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये। तो देखिए मैंने इसे इसके ऊपर थोड़ा सा मगज दाना डाल दिया है और इसे मैं चला दूंगी, मिक्स कर दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा क्रंचनेस आता है तो टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक बोल में निकाल ले रही हूँ तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मगज दाने से गार्निश कर दूंगी। और इसे आप फ्रेंड्स एक कांच के बोतल में रखेंगे तो आपको फ्रिज में रखना नहीं पड़ेगा। तो इसे आप साफ सुथरे कांच के बोतल में रखिए और साल भर खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इसे जरूर ट्राई करिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।